दोस्तों, अगर आप भी शुभमन गिल को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया से T20 सीरीज में वर्ल्ड कप का बदला लेने के बाद भारतीय लड़ाके अब अफ्रीका में अपना परचम लहराने के लिए कदम रख चुके हैं। शुभमन गिल अफ्रीका में अपने बल्ले का जलवा बिखेरने को तैयार है, तो वही उनकी लेडी लक खुद सारा तेंदुलकर भी उनके साथ अफ्रीका पहुंची है, जहां उन दोनों को साथ में देखकर तो खुद सचिन तेंदुलकर से लेकर करोड़ों क्रिकेट प्रेमी हैरत में पड़ गए। तो आखिर क्यों साथ में सारा और गिल पहुंचे हैं अफ्रीका? क्यों दोनों की नजदीक देखकर हर कोई दंग रह गया? कैसे सारा ने खुद सामने से आकर गिल के लिए कर दिया अपने प्यार का इजहार? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, गिल, रिंकू और किशन में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, इंडिया और अफ्रीका विश्व कप की दो सबसे बड़ी वो टीमें हैं जिन्हें चोकर्स का दर्जा दिया जाए तो गलत नहीं होगा। अफ्रीका तो पहले से ही मानी जाती रही है, लेकिन अब तो टीम इंडिया भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही है। जहां वर्ल्ड कप में अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया से हारकर बाहर हुई, तो ऑस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को फाइनल में हराकर छठी बार वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर दिया। हालांकि उन जख्मों पर मरहम लगाते हुए टीम इंडिया ने बहुत जल्दी पुराना हिसाब किताब ऑस्ट्रेलिया से चुकता कर लिया और 5 मैचों की T20 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उनकी नानी याद दिला दी। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट का ये रोमांच इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। जहां अब ऑस्ट्रेलिया के बाद ये कारवां बढ़ चला है दक्षिण अफ्रीका की ओर, जहां भारतीय टीम का शुरू हो चुका है अफ्रीका दौरा। यहां 3 T20 मुकाबले के साथ वनडे मैच हमारी प्यारी भारतीय टीम को खेलना है। साथ ही साथ दो टेस्ट मैचों में भी यहां समा बांधा जाएगा, जिसकी शुरुआत 10 दिसंबर से होने जा रही है और इंडिया का अफ्रीका दौरा 7 जनवरी तक चलने वाला है। यानी कि एक बार फिर दुनिया की दो सबसे बड़ी टीमों अफ्रीका और इंडिया के बीच राइवलरी में एक इतिहास का नया पन्ना दर्ज किया जाएगा। हालांकि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि टीम इंडिया अफ्रीका से कहीं आगे है तो वो गलत नहीं होगा। विश्व कप 2023 के 37वें मुकाबले में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 243 रनों से हराकर उन्हें काफी बुरी तरीके से पीटा था, लेकिन अब हमें अफ्रीका को उन्हीं की सरजमी पर धूल चटाकर अपनी बादशाहत कायम करनी है। हालांकि ये चुनौती बिल्कुल भी आसान नहीं रहने वाली है, क्योंकि अपने घर पर अफ्रीका तो और भी खूंखार हो जाती है, लेकिन टीम इंडिया भी किसी से कम नहीं है। युवा खिलाड़ियों से सजी सबसे मजबूत टीम इंडिया अफ्रीका में कदम रख चुकी है। हर एक खिलाड़ी काफी जोश में है, लेकिन पूरी दुनिया तो उस वक्त दंग रह गई जब शुभमन गिल के साथ में सारा तेंदुलकर को स्पॉट किया गया। जी हां, ये वो दोनों हाथों में हाथ डालकर एयरपोर्ट से बाहर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों साथ ही में अफ्रीका पहुंचे हैं। जी हां, ये तस्वीर इसलिए भी हैरान कर देने वाली है क्योंकि पहले दोनों को कभी एक दूसरे से बात करते भी नहीं देखा गया, लेकिन अब तो दोनों खुलेआम सबके सामने आकर अपने प्यार का इजहार तक कर रहे हैं और ये देखकर तो सचिन के भी होश उड़ गए थे। बस फिर क्या था, देखते ही देखते उनकी ये तस्वीर सोशल मीडिया की गलियों में सुनामी ला दी और हर तरफ केवल उन्हीं की चर्चा होने लगी। केवल यही नहीं, उनके अलावा भी कई ऐसी वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सारा और गिल अफ्रीका में एक दूसरे से साथ नजर आ रहे हैं, जिससे तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इन दोनों ने दुनिया के सामने आकर अपने प्यार को जग जाहिर कर दिया। और अब तो ये भी हो सकता है कि सारा तेंदुलकर हमें पहले T20 मैच में, जो कि 10 दिसंबर को होने जा रहा है, उसमें गिल और टीम इंडिया के लिए चेयर्स करती भी नजर आए। दोस्तों, विश्व कप के रोमांच सफर के बाद अब बहुत जल्द शुरू होने जा रहा है इंडिया का त्योहार, जिसे पूरी दुनिया IPL के नाम से जानती है। जब 3 महीनों के लिए भारत की सरजमी पर इंडियन प्रीमियर लीग या कहे विश्व की सबसे प्रसिद्ध T20 लीग के महामुकाबले खेले जाते हैं, उस दौरान पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ IPL में ही टिक जाती हैं और विश्व के सभी क्रिकेट बोर्ड अपनी मर्जी से दुनिया में कहीं भी श्रृंखला खेलने से मना कर देते हैं। IPL की पॉपुलैरिटी किसी को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब विश्व कप में IPL का दौर शुरू होता है, उस दौरान दुनिया के सभी खिलाड़ी IPL में भाग लेने के लिए दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, IPL में हर साल पूरी दुनिया के खिलाड़ियों पर इतना धन बरसता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी बैठ कर ऐश और आराम से बिता सकते हैं। हालांकि इस समय ऐसा था जब IPL में पाकिस्तान के खिलाड़ी भी खेलते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान के खराब रिश्तों के कारण पाकिस्तानी खिलाड़ियों के IPL खेलने पर बैन लगा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से BCCI ने सभी को हैरान करते हुए अपने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया और IPL 2024 में हमें पाकिस्तान के 4 सबसे बड़े खिलाड़ी खेलते दिखाई देने वाले हैं। जी हां दोस्तों, सूत्रों से आ रही खबरों के अनुसार BCCI ने पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान के साथ साथ पाकिस्तानी क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबाज माने जाने वाले बाबर आजम और अपनी खौफनाक गेंदों से दुनिया के धाकड़ बल्लेबाजों की नाक में दम करके रखने वाले शाहीन अफरीदी और युवा गन नसीम शाह को IPL में मौका देने का फैसला
कर सकती है। इस खबर ने सामने आते ही जैसे क्रिकेट जगत को हिला के रख दिया और आईपीएल में सम्मिलित होने वाले सभी फ्रेंचाइजी इन खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो गई। दोस्तों आपको बता दें, जहां 4 बार की आईपीएल विजेता चेन्नई सुपर किंग्स शाहीन अफरीदी जैसे तेज गेंदबाज को अपने साथ जोड़ने के लिए सब कुछ लुटा सकती है, तो वहीं आईपीएल में सबसे सफल फ्रेंचाइजी रही मुंबई इंडियन सलामी बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को शामिल करने के लिए 15 करोड़ रुपए तक दे सकती है। दोस्तों केवल इतना ही नहीं, बल्लेबाजों को अपनी खतरनाक स्पीड और स्विंग से डरा धमका कर रखने वाले गेंदबाज नसीम शाह को आईपीएल की सबसे पसंद की जाने वाली टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अपने खेमे में शामिल करने के लिए पूरी जी जान लगाती नजर आएगी। तो वहीं पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के ऊपर भी यदि बड़ी बोली लगे तो कोई हैरानी नहीं होगी, और यदि बीसीसीआई इन खिलाड़ियों को आईपीएल में सम्मिलित करने का ऐलान कर देती है तो इन सभी खिलाड़ियों पर ही सारी टीमें अपना अधिकांश पैसा लुटा देंगी, और ये देख कर किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा। दोस्तों 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विश्व कप 2023 की चैंपियन टीम मिल गई। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हराकर 6वीं बार विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की। यह हर करोड़ों हिंदुस्तानियों को बर्दाश्त नहीं हुई, हर किसी की आंखों में आंसू आ गए। भारत की हार पर पूरा हिंदुस्तान रो पड़ा, लेकिन अब भारतीय क्रिकेट फैंस का इंतजार आईपीएल का है। यह केवल खेल ही नहीं बल्कि भारतीयों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार भी है। अभी आईपीएल को शुरू होने में लगभग 4 महीने से अधिक का समय बचा हुआ है, लेकिन इसका खुमार अभी से लोगों के सर चढ़कर बोल रहा है। सभी टीम खिलाड़ियों को लेकर अदला बदली करना शुरू कर दी है। 26 नवंबर तक टीम के खिलाड़ियों को अदल बदल कर सकती है, ये आखिरी तिथि होगी। इसके बाद अदला बदली करने का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। जी हां, कप्तान शर्मा को आईपीएल का सबसे सफल कप्तान कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मुंबई इंडियंस वाली टीम को 5 बार का खिताब दिलवाया है। भले ही विश्व कप ट्रॉफी उनके नाम नहीं हो पाई, लेकिन उनके चाहने वाले करोड़ों फैंस और मुंबई इंडियंस के चहेते खूब प्यार लुटाते हैं। मगर पिछले 2 आईपीएल के सीजन में रोहित की कप्तानी कुछ खास नहीं रही है, जिसके कारण उनकी टीम मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अच्छा देखने को नहीं मिला है। ऐसे में अब आईपीएल 2024 को लेकर सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर यह है कि कप्तान रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस से अपना नाता तोड़ने वाले हैं। खुफिया एजेंसी से मिली जानकारी के मुताबिक रोहित शर्मा अब गुजरात टाइटंस की कमान संभालेंगे। वो आईपीएल 2024 में गुजरात टाइटंस की कप्तानी करते हुए नजर आएंगे। ये झटका केवल उनके फैंस ही नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस के चाहने वालों को भी लगा है। इस खबर ने तो पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया है। साथ ही साथ मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी भी यह खबर सुनते ही हैरान हो गई। उन्हें भी जोर का झटका यानी 440 वोल्ट का करंट लग चुका है, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे और ईमानदार कप्तान के साथ साथ खिलाड़ी को भी खो दिया है। आपको बता दें कि खबर तो यहां तक आ रही है कि रोहित शर्मा को गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलने के लिए कप्तानी के साथ साथ 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम मिल रही है। अब तो यही लग रहा है कि रोहित शर्मा मुंबई की तरफ से कभी भी खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हर कोई उन्हें 2024 के आईपीएल में मुंबई की तरफ से न खेलते हुए मिस करेगा। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद तो हर कोई खिलाड़ी अपना डिसीजन बदल सकता है, तो अब रोहित शर्मा ने भी इतना बड़ा फैसला ले लिया है। दोस्तों नए साल के शुभ मौके पर बहुत जल्द एक दूसरे से भिड़ने जा रहे हैं दो जानी दुश्मन। भारत और पाकिस्तान वनडे मैचों के साथ साथ टी20 सीरीज और 2 टेस्ट मैचों में पार होने को तैयार है रोमांच की सभी हदें। पूरी दुनिया बनने जा रही है सबसे बड़ी राइवलरी की गवाह। तो आखिर कब और कहां होने जा रही है भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे प्रसिद्ध सीरीज? कितने मैच खेले जाएंगे दोनों देशों के बीच? क्या रहने वाली है दोनों टीमें? किस चैनल पर आप उठा सकते हैं इन महामुकाबलों का लुत्फ? सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से सबसे मजबूत क्रिकेट टीम कौन सी है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों विश्व कप तो आंसुओं के साथ बीत गया, लेकिन क्रिकेट की इस दुनिया में खेलकर रोमांच कभी भी खत्म नहीं होता है। और जैसा कि आप जानते ही हैं, क्रिकेट के इतिहास में यदि सबसे बड़ी जंग किसी के बीच होती है तो वो है भारत और पाकिस्तान। जी हाँ, जिसके लिए केवल ये दोनों देशों के फैंस ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया उत्साहित रहती है।